बहुत सारे मित्र ये भी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, मैं प्रश्न देखा भी है मैंने, अगर आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपने एक ख्वाब पाल रखा, आपने एक सपना पाल रखा है कि मुझे भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा में जाना ही जाना है, तो ऐसी परिस्थितियों में परिवार के साथ सामंजस्य कैसे रखें, एक, और कैसे इस परीक्षा को करेक्ट करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो सर इस, क्योंकि आपके साथ तो ये प्लस पॉइंट था कि आपका परिवार साथ में था, लेकिन कई बार हमारे जिस तरह के जो सामाजिक मूल्य है उनमें कई बार टकराव आ जाता है, पेरेंट्स चाहते हैं एक सेफ वे लेना चाहते हैं जबकि बच्चा ने एक बहुत बड़ा सपना पाल रखा है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? देखिए ये बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि जब आप सही रास्ते पर हैं तो परिवार कई, ऐसा नहीं होता कि परिवार शुरू से सब साथ ही रहते हैं, ऐसा नहीं हो, ऐसी बात नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ परिवार क्यों था। परिवार मेरा बहुत समझदार था, लेकिन क्या था कि उन लोगों को एजुकेशन का कोई आइडिया नहीं था। मुझे सबसे पहले तो सोसाइटी को खुश करना पड़ा, वो भी मैंने शुरू किया था सेवन्थ क्लास से, खुश इन द सेंस कि सब लोग बोलना शुरू करे कि लड़का बहुत पढ़ता है, इसको पढ़ने दीजिए। मेरे घर मेरा जो बिल्डिंग था उसके बिल्डिंग हर फ्लोर पर 5-6 रूम थे, हर रूम में एक कमरी रहती थी, एक बाथरूम था। मैं इतना कॉन्शियस रहता था कि मैं रूम से निकल कर 2 बार वॉशरूम भी नहीं जाता था, लोग सोचे कि बार बार देखो कहाँ आता जाता जाता है। तो सोसाइटी में मैंने अपनी इमेज ऐसे क्रिएट की थी कि हर आदमी जाके मेरे फादर सिस्टर सबसे बोलता था कि भाई लड़का बहुत पढ़ने वाला है, इसको पढ़ने देना। ये काम मैंने 7-8 साल पहले शुरू किया था जब मैं 7th क्लास में था। ये ऐसा नहीं होता कहीं भी, देखिए कोई भी कोई आपको एक सिस्टम क्रिएट कर, इको सिस्टम इसको बोलते हैं, इको सिस्टम क्रिएट कर। अब मैं दिन भर खेलता रहता, क्रिकेट खेल रहा हूँ, इधर घूम रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, तो परिवार साथ होता क्या? परिवार नहीं साथ होता उस समय। परिवार इन द सेंस कि अब मेरे फादर ने मुझे कभी काम करने के लिए नहीं कहा, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने हालांकि काम किया, मैंने जूते की शॉप पर 300 रुपये महीने में 9th क्लास में पूरा एक साल काम किया, क्योंकि उस साल मेरे घर पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। मैं शूज जो लड़के होते हैं वो काम करता था, मतलब 5-6 घंटे के लिए करता था, मेरे बिल्डिंग में ऊपर ही रहते थे जो दुकान डालते हैं, उनकी दुकान मैंने काम किया है। लेकिन फिर भी मैं जैसे ही घर आता था मैं पढ़ना शुरू करता, रात को ही पढ़ते, वो जब भी जाते थे सब लोग तब छत पर सोता था, जब भी जाते थे मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ा, उन्होंने 10th क्लास में बोल दिया कि भाई इसको अब दुकान मत भेजो, लड़का तो पढ़ता रहता है, इसको पढ़ने दो। तो ये एक इकोसिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ आपका जो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने पड़ोसी को खुश करना ना, वो भी बोले आपके बारे में कि लड़का पढ़ता है, तो वो काम भी किया था मैंने। और उसके लिए मैं वॉशरूम जाना अवॉइड करता था कि दिन में 2 बार जाऊँगा, लोग 2 बार देखेंगे, तो तब हर टाइम आपको अपने आप को ऐसा सिस्टम। इसके बावजूद भी हो सकता है परिवार आपका साथ न दे, लेकिन मेरा मानना है कि डिटर्मिनेशन बहुत सख्त है ना, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा, कितना भी पत्थर आदमी हो जाए वो भी आपको नहीं कर सकता। मैं तो मेरे आसपास के तो बहुत ही कई लोग तो बहुत भयानक टाइप के लोग थे, वो भी बोलना शुरू कर दिया कि लड़की को पढ़ने दीजिए, क्योंकि मुझे 2000 जब 5-6 में एग्जाम करना क्रैक करना था, मैंने 97-98 से वो सिस्टम तैयार करना शुरू किया था, लोगों से बातचीत करना कम शुरू किया, पढ़ाई में बस रहता था, बच्चों के साथ रहना मुझे बहुत पसंद है, मतलब किसी सब बच्चे मुझे डरने लगे थे क्योंकि मैं बात ही नहीं करता, जब भी देखता था तो ऐसी अजीब आंखों से देखता था, क्योंकि जैसे होता है कि आपका मन किया कि आप किसी से जाकर बोले या बच्चे के साथ 1 घंटा खेले, आप 1 घंटा खेलने गए तो जब उसका भी मन करेगा वो भी तो आएगा आपके साथ खेलने 1 घंटा, तो 2 घंटा बर्बाद होगा आपका। ये सब चीजें आपको पूरा सोचना, इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है, यू हैव टू बिल्कुल अपना कहते हैं इमोशन को बर्न करना पड़ता है, तब सब साथ आते हैं, तब समाज भी साथ आता है, परिवार भी आता है। परिवार तो था मेरा बहुत अच्छा परिवार था, लेकिन जब मैंने भी 7-8 साल इन्वेस्ट किए थे वैसा माहौल क्रिएट करने में किसी की हिम्मत ही नहीं थी, सब लोग जानते थे किसी ने अपोज किया देन दे विल लूज मी। ओके सर, आपने माहौल इसलिए बनाया ताकि आप तैयारी ढंग से कर सकें।